नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। ललितपुर जिले के पाली थाने में किशोरी से दुष्कर्म की घटना को लेकर सियासत उबाल पर है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को झांसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सवाल उठाया कि ललितपुर की घटना में शामिल अफसर कब टर्मिनेट होंगे। उन्होंने पूछा कि क्या जिस थाने में घटना हुई उस थाने पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि पीड़िता के परिवार से मिलने आया था, पीड़िता की मां से मिला। ललितपुर की घटना ने सबको शर्मिंदा किया। जब रक्षा करने वाली पुलिस और सम्मान की रक्षा करने वाली पुलिस भक्षक बन जाए तो सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। इंस्पेक्टर पकड़ा गया, जेल भेजा गया, सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, दोषी अफसर को टर्मिनेट होना चाहिए। यूपी की कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में हो रही है। एनएचआरसी और महिला आयोग ने सबसे ज्यादा नोटिस यूपी को दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा के दबाव में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यूपी पुलिस इस तरह के काम कर रही है, एक जाति और धर्म विशेष के लोगों के लिए उनका बुलडोजर निकल जाता है। और झांसी, ललितपुर और बुंदेलखंड में कितने लोगों को रोजगार मिल गया। डबल इंजन की सरकार चल रही है। रिजर्व बैंक ने फैसला लिया है कि लोन लिया है तो ज्यादा चुकाना हो पड़ेगा। कर्ज पहले किया कितना था और अब कितना है। बैंक डूब गए, मर्ज हो गए, लेकिन बात इस पर हो रही है कि मंदिर से इतने लाउडस्पीकर उतार दिए गए, मस्जिद से उतने लाउडस्पीकर उतार दिए गए। अखिलेश यादव का आरोप है कि इस समय लगभग 80 से 90 फीसदी नौजवान बेरोजगार है। बीजेपी सरकार ने नौकरी देने का सिर्फ ढिंढोरा पीटा है, जबकि सच्चाई ये है कि किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिली। और वैसे आपको बता दें कि देश में बेरोजगारी दर इस साल अप्रैल में बढ़कर 7.83% पहुंच गई। एक महीने पहले मार्च में बेरोजगारी दर 7.60% रही थी। अप्रैल में बेरोजगारी दर के मामले गांव के मुकाबले शहरों की हालात ज्यादा खराब दिखाई दिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी और इसके साथ ही CMIE के मुताबिक जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं वो बताते हैं कि शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर अप्रैल में बढ़कर 9.22% पहुंच गई। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मासिक आधार पर बेरोजगारी दर गिरावट आई है और जबकि दिल्ली में बढ़ी है। और अप्रैल में यूपी में बेरोजगारी दर मार्च के 4.4% से घटकर 2.9% रह गई। जबकि देश की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 में देश के श्रम बाजार में 38 लाख की गिरावट आई है, जो पिछले 8 महीने का सबसे निचला स्तर है। इसका मतलब यह है कि इस दौरान 38 लाख लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा। CMIE का कहना है कि सफलता नहीं मिलने पर हताश इन लोगों ने रोजगार की तलाश भी बंद कर दी। इनका कहना है कि उनके लिए कोई नौकरी उपलब्ध नहीं है। यूपी में हालात पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और सीधे सीधे कटघरे पर खड़ा किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश की सरकार को निशाने पर लिया है। और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह से एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है, सीधे सीधे उनका कहना है कि ललितपुर जिले के पाली थाने में किशोरी से दुष्कर्म की घटना को आखिर क्यों सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है और साथ ही साथ आखिर पुलिस वाले की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। इसमें बताया ये जा रहा है कि इस घटना में शामिल अफसर अभी तक टर्मिनेट नहीं हुआ है। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी हैं, जो कि स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कंचन द्विवेदी जी हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी यूपी की। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा कपिल श्रीवास्तव जी आपसे है, सर क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। खासतौर पे पहले हम कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था पर भी ज्यादा फोकस अखिलेश यादव ने किया है। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई मामला घट जाता है तो उसके बाद उस पर कार्रवाई महज दिखावा साबित होती है? इतिहास से व्यक्ति सबक ले, आपको याद होना चाहिए कि राज्य में जो महोबा के एसपी थे,
एसएसपी, वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, हत्या के जुर्म में उन पर मुकदमा है। आखिर योगी सरकार की पुलिस और योगी सरकार स्वयं एक अपने एसएसपी को नहीं खोज पा रहे कि वो उन्हें पृथ्वी निगल गई है कि आकाश उगल गया है। और आपने साथ ही ये भी देखा होगा कि जिस तरीके से योगी शासन में पुलिस के अंदर जो कानपुर देहात का मामला था जिसमें शिखर यादव की हत्या हुई, उससे पहले उसका अपहरण हुआ था और हत्या के हत्या पहले हो गई और अपहरण दिखाते हुए पुलिस ने 25 लाख रुपए रैंसम दिलवाए, वो भी आज तक रिकवरी नहीं। साथ ही आपने देखा होगा कि बिकरू कांड के अंदर पुलिस वालों की ही मुखबिरी पे और उनकी संलिप्तता से उतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। जो नक्सलाइज बेल्ट में जितनी भयानक घटना नहीं होती थी उतनी बड़ी घटना यहाँ गिरफ्तारी की गई। आज सरकार से अगर पूछा जाए कि उन्होंने किस पर क्या कार्रवाई की और किसके ऊपर कितना बुलडोज किया तो वो बताने के लायक नहीं है। आप स्वयं इस बात को देखिए कि योगी राज में पुलिस की तानाशाही इस कदर बढ़ा दी गई है कि अब योगी जी की पुलिस का अपराधीकरण हो गया है और योगी की पुलिस अधिकारी और अपराधी में अंतर नहीं कर पा रही है। क्योंकि आपने इस बात को देखा कि आज से 4 महीने पहले के जो आंकड़े हैं उसमें इंडिया में 40% से ज्यादा सिर्फ उत्तर प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हुई है, जिसमें 467 मामले सामने आए। अभी आपने हाल में देखा कि चंदौली के अंदर गिरफ्तार करने के लिए गई पुलिस एक अभियुक्त को और उनके परिजनों से लड़ गई और वहां पर एक बिटिया की मार के हत्या कर दी और उस पर सस्पेंड किया जाता है, मुकदमा लिखने की जगह सस्पेंड किया गया। ठीक है, ठीक है कंचन जी, भी हमारे साथ जुड़े हुए। कपीश जी मैं फिर रुक करती हूँ आपका। कंचन जी अब सवाल ये है, जिस बात का जिक्र अभी कपीश जी कर रहे थे, रक्षक की अगर भक्षक बन जाए तो इसे आप क्या कहिएगा? और साफ तौर पर अगर हम देखें कि पुलिस की अगर हम बात करें, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल इस पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों आप लोगों की तरफ से बेहतर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जिससे कि कम से कम अपराधियों में डर तो बने। चले लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन अखिलेश यादव कपीश जी ये भी कह रहे हैं कि देखिए जो बुलडोजर निकलता है वो सिर्फ विशेष धर्म और जाति को देखते हुए ही ये बुलडोजर निकलता है, जब अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने की बात आती है और अपराधियों पर नकेल कसने की बात होती है तो योगी सरकार की हवा निकल जाती है। ये बिल्कुल इसमें कहीं दो राय है। अब तो देखिए बुलडोजर जो है भारत के लिए अपमान साबित हो रहा है, विश्व के तमाम देशों के अंदर उनके सीनेट के अंदर जो है ये डिमांड उठाई जा रही है। अभी आपने खुद ही देखा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और उनसे बेकर साहब से उनके यहाँ की सांसद ने पूछा कि आपने क्या इस विषय पे बात किया जिसे कि आप जिस बुलडोजर कंपनी का आप इनॉग्रेशन करने गए। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं और ये पटल पर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफा कार्रवाई होती है। कोई भी भाजपा का प्रवक्ता आज तक मुझे नहीं बता पाया, मैं बड़े निवेदन से सविनय निवेदन से पूछना चाहता हूं कि भैया ये बुलडोजर चलाने की जो आपने प्रथा चलाई है ये किस एक्ट के किस सेक्शन में दी हुई है कि बिना अदालत के आदेश के आप किसी का घर चाहे वो सही हो या गलत हो इसका फैसला किए बगैर सरकार गिरवा देगी? ठीक है कंचन जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। कपीश जी मैं आपका रुख करती हूँ। कंचन जी ये जो बुलडोजर चलाने की प्रथा है ये क्या किसी जाति और धर्म को देखकर बुलडोजर चलाया जाता है क्या? क्योंकि अखिलेश यादव तो यही कह रहे हैं, कपीश जी भी यही कह रहे हैं कि देखिए जब बात पुलिस पर कार्रवाई की आती है तो वहां पर इनका बुलडोजर नहीं निकलता है लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं पर चला दिया जाता है और जहां पर नहीं चलाना चाहिए वहां पर ये बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देता है। क्या इसका क्राइटेरिया है मैम, ये कैसे चलता है, क्या इसका क्राइटेरिया है, ये समझाने की थोड़ा कोशिश करें। देखिए रेखा जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि कपीश जी बोल रहे हैं। कपीश जी अपने पार्टी के हिसाब से बोल रहे हैं, अपने पार्टी के लेवल के हिसाब से बोल रहे हैं इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। बाकी मैं आपको एक बात बताऊं, उदाहरण बताऊं कि हमारे गांव के बगल में एक और गांव है, वहां पर मैं कह सकती हूँ कि अगर जो भी किसी भी पार्टी का सपोर्ट करने वाला हो या किसी भी जाति का हो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वहां पर उन लोगों पर भी बुलडोजर चल रहा है जिनके लिए ये बात नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल भी सरासर झूठ बोलने वाले लोग हैं कि जो कह रहे हैं कि कोई भी इनको प्रवक्ता नहीं मिलता। जो कह मैं कह रही हूँ ना कि ऐसा है ही नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। उनके अपनों पर भी अगर वो गलत है तो बुलडोजर चलेगा, उनके लोगों पर भी अगर वो गलत है तो बुलडोजर चलेगा, उनकी जो पुलिस है। ललितपुर मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है कंचन जी?
देखिए नेहा जी, जो भी कार्रवाई होती है वो एक दिन में बिल्कुल भी नहीं हो जाती, उसमें हम लोग फिर भी एक बार में जो पहले सरकारें जाने कब तक उन चीजों पर मसलों पर डाले रहती थी, वो हम लोग फिर भी उस हिसाब से लेते हैं जैसा कि अभी तक किसी भी सरकारों ने कदम नहीं लिया। हम वो कदम उठाने वाले लोग हैं जो कि इन लोगों ने सोचे भी नहीं होंगे, क्या ये कभी सोच सकते हमारे इतिहास में? मुझे लगता है ये काम पहली बार हुआ होगा कोई भी नेता के लिए। अगर वो पब्लिकली जा रहा है तो फिर वो बिल्कुल पब्लिक के हिसाब से ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कपिल जी कह रही है एक दिन में काम थोड़ी ना हो जाएगा, एक दिन में कार्रवाई थोड़ी ना हो जाएगी। आप ये कह रहे थे कि अभी जो पहले वाले केसेस है उसमें भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि एक दिन में कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जो हमारे एक विधायक बरेली के राज्य के खिलाफ इनके सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो उनका जो पेट्रोल पंप है वो बुलडोज कर दिया जाता है विदाउट एनी नोटिस। और आपको यही मालूम होना चाहिए, संजय जी सुन लें, हमने आपको सुना, सुन लें फिर आप जवाब दीजिए। ये सबको मालूम होगा कि जब कोई भी पेट्रोलियम कंपनी किसी को पेट्रोल देती है तो सबसे पहले वो उनके पेपर्स की जांच कराती है कि उनकी जमीन कैसी है, उसकी नवैयत क्या है, 30 इयर्स की टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट निकाली जाती है, तमाम डिपार्टमेंट से जो है वो NOC फाइल हासिल की जाती है, उसके बाद एक जो है उन लोगों के बीच करार बनता है और उसके बाद किसी को पेट्रोल पंप मिलता है। तो आप मुझे बताइए वो अवैध कैसे हो सकता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी के द्वारा तमाम करार किए गए, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई गई और उसके बाद तमाम डिपार्टमेंट ने NOCs दी और आपने एक दिन में बुलडोज कर दिया। ठीक है, ठीक है, जनता को बताइए। ठीक है कंचन जी, और ये आरोपी जो है, जो आरोपी है वो दोषी है या नहीं है ये क्या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी क्या? ठीक है, एक सेकंड कपिल जी, किस एक्ट की धारा के तहत चलता है? कौन सी एक्ट की धारा के तहत? अभी बुलडोजर 9 बजे चला और 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर कर दिया और साथ में लानत खयानत दी और उन्होंने पूछा इतनी जल्दी क्या मची थी जब इस केस की सुनवाई 11 बजे होनी थी। यानी 2 घंटे के अंदर जितने लोगों के आपने मकान और दुकानें तोड़ी हैं उनको आप ऐसी चीज बना नहीं सकते हो, तो बुडालना नहीं चाहिए। हम तो ये पूछ रहे कि किस एक्ट और किस धारा के तहत बुलडोजर चलता है। और दूसरी चीज मैं पूछ रहा हूँ कि अजय मिश्रा टेनी पे क्यों नहीं चल रहा है? आशीष मिश्रा टेनी के ऊपर क्यों नहीं चल रहा है? ब्रजेश सिंह के ऊपर क्यों नहीं चल रहा है? विनीत सिंह के ऊपर क्यों नहीं चल रहा है? धनंजय सिंह के ऊपर क्यों नहीं चल रहा है? ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर क्यों नहीं चल रहा है? बताओ भैया क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, ठीक है, कंचन जी जवाब दीजिए। जवाब दे दूं? देखिए बात ये होती है ना नेहा जी, अगर गलती किसी की भी हो तो वो एजेंसियों का काम होता है, सरकारों का काम नहीं होता है। अगर आप अवैध हैं तो फिर सरकार की तरफ से बुलडोजर चल रहा है। वैध है, अवैध है, आरोपी है, दोषी है, कौन तय करेगा? नहीं, कौन तय करेगा? बिल्कुल एजेंसियां तय, बिल्कुल सरकार एजेंसियां तय करेगी और ये अगर कोर्ट के विपक्ष में जाता है। नहीं नहीं, ये एजेंसियां तय करेगी कि आरोपी है तो दोषी है या नहीं, कैसी बात कर रही हैं कंचन जी? भाई, कौन तय करेगा? ये एजेंसी तय करेगी क्या? ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी? कोर्ट तय करेगा, न्यायालय तय करेगा, हमारे यहाँ न्यायालय की व्यवस्था बनाई गई, वो तय करेगा। तो न्यायालय तक जाने के लिए थोड़ा इंतजार तो किया जाए। ये बुलडोजर जो चल रहा है, ये बुलडोजर बिना न्यायालय जाए चल रहा है मैम। और जहाँ पे चलना चाहिए, भी कपीर जी कह रहे हैं कि जहाँ पे चलना चाहिए वहाँ नहीं चलता है, जहाँ जाति धर्म देखकर ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। जाति धर्म को लेकर के नहीं चला, ये बताइए ना कि जिसको जिसके यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है वो क्यों न्यायालय व्यवस्था में नहीं जा रहा है? क्यों वो अपनी शिकायत न्यायालय के सामने नहीं रख रहा है? क्या वजह है, क्यों नहीं जाते वो लोग? कपीर जी को क्या प्रॉब्लम हो रही है? कपीर जी ही क्यों बीच में बोल रहे हैं या फिर कोई और ही बीच में? कपीर जी ही बीच में नहीं बोल रहे, पूरी समाजवादी पार्टी बीच में बोल रही है। लेकिन कंचन जी अभी सवाल ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है कि ललितपुर की अगर हम बात करें तो अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ वो पुलिस वाला जिसके ऊपर आरोप लगे हैं। ये इतनी धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है, आप तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कहाँ है वो जीरो टॉलरेंस? नहीं, ललितपुर कांड में मैं यही कहूंगी कि उसकी अभी जांच चल रही है, पूरी प्रक्रिया सामने नहीं आई है। लिहाज सस्पेंड की बात कर रहे हैं हम, और कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम सस्पेंड की बात कर रहे हैं। अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ, आरोप तो लग गया है ना। ये सजा यूं ही नहीं दी जा सकती ना किसी को भी कि आप कुछ भी करें। अरे सस्पेंशन तो सजा होती ही नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं कि सस्पेंशन जो है वो कोई भी किसी किस्म की जांच को प्रभावित ना करें, इसके लिए सस्पेंशन तो होना चाहिए ना कंचन जी। जीरो टॉलरेंस, कैसा जीरो टॉलरेंस है फिर ये आप लोगों का?
ये एजेंसियों की बात है, ये जांच करने वालों की एजेंसियों की बात है। बुलडोजर चलाने के लिए आप जांच की बात नहीं करते हैं, आप कोर्ट की बात नहीं करते हैं, लेकिन जब ऐसे मामले आ जाते हैं, जब खाकी पर सवाल उठते हैं या फिर सरकार पर सवाल उठते हैं, तो आप जांच की बात करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कपीश जी इस बात को लेकर भी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि इस समय लगभग 80-90% नौजवान बेरोजगार है, जबकि इस पर बात नहीं होती। डबल इंजन की सरकार चल रही है प्रदेश में, और इसी बात पर बार बार फोकस किया जाता था कि देखिए डबल इंजन की सरकार आएगी तो डबल फायदे होंगे, लेकिन यहाँ पे तो रोजगार नहीं मिलने के आरोप लगा रहे हैं आप लोग। देखिए सीएमआई की जो रिपोर्ट है वो आपके सामने है, लेकिन एक रिपोर्ट जो डिस्कस की जानी चाहिए वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, और वो भयावह तस्वीर प्रस्तुत कर रही है जो वास्तव में उत्तर प्रदेश समेत पूरा देश देख रहा है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि भारतीय स्टेट बैंक पूरे विश्व की सबसे बड़ी बैंक, और ये इकोनॉमिक सर्वे कराती है स्वयं, और बहुत ही ऑथेंटिक होती है, क्योंकि इसके जो आंकड़े होते हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से कलेक्टिविटी होती है उसकी। और दूसरी चीज ये है कि सीएमआई को डाटा वही मिलते हैं जो हमारी सरकारें दी, और सरकार किसे रोजगार मांगती है, किसे सेल्फ रोजगार मांगती है, और किसे नौकरी मांगती है, परमानेंट नौकरी मांगती है, ये तो पकौड़ी तलने तक को चीजों को ले लेते हैं। अगर आपने कोई मान लीजिए वाहन खरीदा, उसमें किसी एक को ड्राइवर नियुक्त कर दिया, तो ये भी इन्हीं की वजह से हो जाता है। तो ये चीजें नहीं है, क्योंकि ये डिफाइन ही इस तरीके से नहीं। दो सेक्टर में सर्विस भूमिका निकलती है और सरकारें निकालती हैं, एक तो स्वयं अपने यहाँ पब्लिक में, दूसरा प्राइवेट में, तब उनको माना जाता है जब एक्सपेंशन के लिए उन्होंने उद्योग को उस तरीके के बजट दिए हों, उस तरीके की सहूलियतें दी हों। लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं से अगर अपने ही पैसे से वो दुकान खोल रहा है, उसमें दो आदमियों को रोजगार में रख रहा है, तो वो सरकार की कमी कंडीशन में नहीं जोड़े जाते, बावजूद उसके कि अभी कोरोना काल के अंदर जो है 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। और आपने देखा होगा कि नोटबंदी जो की जीएसटी का जो प्रभाव रहा है, मुसलसल लोग लगातार करोड़ों के करोड़ों में होते रहे। अभी देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्वे कराया तो उसने पाया कि 2 लाख एमएसएमई खत्म हो गए, तो उनकी वहां पर रोजगार भी खत्म हो गई। फिर जितने नेशनल बैंक थे उनका आप एकीकरण करके उनको आप जोड़ते जा रहे हैं, और उनके जोड़ने के बाद आप उनकी शाखाएं बंद कर रहे हैं जो बैंक आपने एब्जॉर्ब कराया। अच्छा, और इसको कैसे, तो स्वस्थ बैंक में 2 जो है वो मृत बैंक आपने जोड़ दिए, जिनको लोन का पावर नहीं रह गया, एनपीए उनके यहाँ का ज्यादा हो गया 6% से ज्यादा है, और 50 करोड़ स्थिति है, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक 50 करोड़ लोगों ने नौकरी खोजना ही छोड़ दिया है। ठीक है, ठीक है कंचन जी, अब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें या सीएमआईई के आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें, तो शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर अप्रैल में बढ़कर 9.22% पहुंच गई। ये आंकड़े हैं, देखिए कपीश जी क्या कह रहे हैं, अगर उनकी बातों पर आप गौर ना भी करें, ये आंकड़े तो झूठ नहीं बोल रहे, ये आंकड़े उन तमाम चीजों के हैं जो जिनका मैं जिक्र कर चुकी हूँ, उन एजेंसीज के हैं। तो आप ये बताइए कि डबल इंजन की सरकार के क्या फायदे उत्तर प्रदेश वासियों को मिल पा रहे हैं, रोजगार तो नहीं मिल पा रहा। जो मैं अभी कपीश जी जो बात कर रहे हैं ना, एकदम झूठी बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि हम लोग वो रोजगार मान लेते हैं जो पकौड़ी तलने वाले होते हैं। क्यों भाई, हम ये कैसे मान लेंगे कि कोई अपने आप चप्पल सिल रहा है तो वो भी हमने रोजगार दिया है? ये तो फेंकने जैसी बात हो गई ना, ये तो बिल्कुल प्योर राजनीति वाली बात हो गई। नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। हम अगर मुद्रा आप सुनना भी करिए, थोड़ा बहुत जानते हैं, बड़े विद्वान है कपीश, नाम है आपका, और सुन भी लिया करिए थोड़ा बहुत। मैं थोड़ा बहुत आपसे कम होंगी, लेकिन थोड़ा बहुत जानती होंगी ना, सुन लीजिए। मेरा मतलब ये है, अगर हाँ मैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मैं इस बात को काट सकती हूँ, क्योंकि अगर हमने ये बोला होता कि चप्पल सिलने वाले को हमने रखा है या हमने सिखाया है, ज्ञान दिया है, तो आप ये कह सकते थे कि हम हर चीज में अपनी चीज लगा रहे हैं। नहीं, जब हम मुद्रा योजना देते हैं और उसमें 60% लोगों को, औरतों को अगर उसमें सहूलत दे रहे हैं और लोगों को लोन दे रहे हैं, लोग अपने हिसाब से रोजगार खोल सकते हैं उसकी सहायता से, हम कहते हैं कि हम उनको रोजगार दे रहे हैं। हम कहते हैं कि जो देश 5 लाख करोड़ रुपया मुद्रा लोन का एनपीए हो गया, बहन आपको पता है कि नहीं पता है? और आपको एक बात पता है कि कुल मिला के 15 लाख करोड़ रुपया एनपीए हो गया, लेकिन रोजगार हमने दिया है।
जिनको आपने लाइट ऑफ कर दिया, इनको इनको बोध है। अब मैं कैसे सीना चीर करके दिखाऊं अपनी बहन को कि क्या करूं? उसको उसको निभा रही है, उसको जेल दे रही है। सारी जनता के लोग बोल रहे हैं कि मुझे इससे फायदा मिला है, केवल आपको नहीं मिला होगा क्योंकि आपका पास है। मैं ये समझ सकती हूँ। अरे भाई, 15 लाख करोड़ रुपया जो एनपीए था वो कौन सा एनपीए था जिसको आपने राइट ऑफ कर दिया? और आपने टर्म लोन, हाउस लोन, सुन तो ले, आपने टर्म लोन, हाउस लोन, बिजनेस लोन, इसका कोड एक क्यों कर दिया? क्यों एक कोड कर दिया? ताकि ये पता न चलने पाए कि आपकी गलत नीति के कारण जो देश को नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई आप पूर्व से लोन से करना शुरू कर दे। नहीं, कौन सी गलत नीति, कौन सी गलत नीति की बात कर रहे हैं? हमारे पक्ष को कार्य भी नहीं पा रही है, ना बता पा रही है। ये कह दे कि आप गलत कह रहे हैं, 15 लाख करोड़ रुपए एनपीए नहीं हुआ है, ना हमने राइट ऑफ किया है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होता। विपक्ष का काम होता है जहाँ हम गलत है आप अपनी सलाह रखी उसे हम मानेंगे, लेकिन ये नहीं होता कि जो अच्छा हो रहा है उसको भी आप खराब कर। कंचन जी कह रहे हैं आप लोगों ने गलत नीति अपनाई जिसकी वजह से प्रदेश में बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा बढ़ गई। देखिए, मुद्रा लोन कोलेटरल फ्री लोन होता है, इनसे अगर पूछे तो ये लोन के संबंध में बता ही नहीं पाएंगे कि कितने तरह के लोन होते हैं। ये कोलेटरल फ्री लोन था जिस तरीके से बांटा गया, 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक का ये दिया गया। इनको खुद इनका स्कीम नहीं मालूम होगा। मैं चूंकि तमाम बैंकों का पैनल एडवोकेट हूँ, इसमें इन चीजों को जानता सुन लेते सुन लेते कपीश जी सुन लेते थोड़ा रुक जाइए एक सेकंड कपीश जी सुनते हैं थोड़ा सा। कंचन जी रखिए बात, एकदम अखिलेश जी के कर्णधार हो गए। कंचन जी लड़ने लगती है हमारी, नहीं लड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं लड़ना है। लड़की वर्ती नहीं हो गया आप यहाँ के कपीश अभी तो हो, मेरा कोई लेना देना नहीं आपसे ना। कितने बहुत बड़े कंचन जी मुद्दे पे रहिए, यहाँ कोई पर्सनल लड़ाई नहीं हो रही है। कंचन जी मुद्दे पे रहिए, नहीं कोई इस उस तरीके की बात नहीं कर रहा, मुद्दे पे रहिए। ठीक है कंचन जी, अभिमान कर लेकर अखिलेश जी से पार कर गया इनका, यही है सपा के अध्यक्ष जाने क्या समझते हैं आपको। ठीक है कंचन जी लड़ना नहीं है यहाँ कोई आपसी मतभेद नहीं है, बहुत शांति के साथ आप लोग अच्छे से डिबेट करते हैं, उसी पे रहिए कंचन जी। क्योंकि हम बेरोजगारी पे बात कर रहे थे, बेरोजगारी के जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं वो सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि जी हम तो रोजगार दे रहे, भले ही नौकरी बहुत ज्यादा नहीं दे पा रहे, लेकिन लोगों को जो पढ़ा लिखा जो नौजवान है उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिल पा रही है क्या? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे हो जाता है। यही बात ज्यादा सोचने वाली है, किसी काबिलियत के हिसाब से ही नौकरी मिल पा रही है। सफाइयों की तरह भर्ती नहीं हो रही है कि रुपया ले लो और जाओ जाकर भी कहीं भी किसी भी जगह नॉलेज हो या ना हो आप भर्ती हो जाओ, बस मेरा घर नॉलेज के मान्यता मिली और आपने इनकी प्रतिपूर्ति की, ये बताने के लिए तैयार नहीं है, ये फेक आंकड़े देती है। कोई समझा आपको, आप बकवास करते रहते हो ना किसी को। ठीक है कंचन जी, बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को बेहतर कानून व्यवस्था चाहिए, उत्तर प्रदेश वासियों को भी बेहतर कानून व्यवस्था चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि योगी सरकार, क्योंकि डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाकर ही आप सत्ता में आए हैं, और एक बार फिर से जब सत्ता में आए हैं लोगों ने विश्वास जताया है तो उस हिसाब से सहूलियतें भी मिलेगी, उस हिसाब से कानून व्यवस्था भी बेहतर होगी और रोजगार भी लोगों को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।